सलमान खान ने बिग बॉस 13 के प्रीमियर एपिसोड पर कहा था कि इस बार का सीजन काफी टेढ़ा होने वाला है, अपने किए गए वादे को तोड़ना नहीं चाहते हैं और जल्द ही इस शो में काफ़ी उथल पुथल भी मचने वाली है। सलमान ने खुलासा किया था कि इस बार इस शो का फिनाले 4 हफ्ते में ही हो जाएगा। बीते ही दिनों खबर आई थी कि इस शो में कुछ और कलाकार भी वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने वाले हैं, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स पर गौर करें तो इस घर में वाइल्ड कार्ड के तौर पर टीवी के 3 हैंडसम हंक आने वाले हैं। माना जा रहा है कि सलमान खान के इस विवादित शो में तू आशिकी फैम राहिल आज़म, विराज फिरोज पटेल और अनुज सक्सेना वाइल्ड कार्ड का सहारा लेकर एंट्री लेने वाले हैं। बीते एपिसोड में घर की मालकिन अमीषा पटेल ने नॉमिनेशन प्रक्रिया का संचालन किया था। इस दौरान कोयना मित्रा, शेफाली बग्गा, दलजीत कौर, रश्मि देसाई और देवोलीना भट्टाचार्य को नॉमिनेशन के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि हर सीजन में सलमान कई दफ़ा पहले हफ्ते के नॉमिनेशन को रोक देते हैं, लेकिन 13वें सीजन के फॉर्मेट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। वैसे आप घर में वाइल्ड कार्ड के तौर पर देखने के लिए लोगों को कितना उत्सुक हैं? सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।